उसके सिर के ऊपर को पहिया निकल गया तो वो मौके पर ही ख़त्म हो गई। और दूसरे उनको चोट लग करके वो हॉस्पिटल लेके गए तो पुलिस आई, उसने कोई ऐसी हो नहीं है कि जैसे भी उन्होंने मदद की है, करी है राहगीरों ने, तो जैसे वो गाड़ी वाले का भी पता नहीं लग रहा कुछ भी, कहाँ है ट्राला है, हाँ ट्राला है, कंटेनर है, पीछे से आया था वो, तो वो साइड में जैसे ही आया तो वहाँ पे आकर के वो नीचे गिर गए थे। नमस्ते चौक पे हुआ जी, सेक्टर 5 के आसपास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमने आपको कल भी खबर दिखाई थी, एक नमस्ते चौक पर एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो जाता है कल, एक महिला की जिसमें मौत हो गई थी। और लोग हैं उनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे। हमारे आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। एक्सीडेंट हो गया नमस्ते चौक पर के, और लड़की तो वो पूरी हो गई, उसके ऊपर को गाड़ी निकल गई है और हमारे को दोनों को चोट है। हम तुरंत ही गाड़ी लेकर के हमारे वहाँ पर पहुँचे हैं तो ये हमारे को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। वहाँ पर पुलिस के जो चौकी इंचार्ज थे वो हमारे को मिले हैं, तो वहाँ जा कर के हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने हॉस्पिटल में ही रख रखा था। तो उसके बावजूद में हमने पोस्टमार्टम के लिए उनको बोला भी जैसी भी अवस्था है, तो उन्होंने कागजी कार्रवाई करके फिर शाम को 5-6 बज चुके थे, तो 6 बजे के बाद फिर हमारे को डेड बॉडी नहीं मिली, तो इस करके आज सुबह डेड बॉडी मिलेगी। क्या नाम है लड़की का? रानी देवी है, गलोर माजरी गाँव की रहने वाली है, जमुना नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है रादौर। छोटे भाई को मिलने जा रहे थे? हाँ जी, छोटे भाई को पानीपत मिलने जा रहे थे। कौन ले? गलोर माजरी, ये लाडुए के पास रहते हैं। क्या नाम है महिला का? रानी देवी। कितने लोग थे मोटरसाइकिल पर? 3 थे जी। कहाँ से जा रहे थे जी? ये यहाँ से लाडुए से चल के पानीपत के लिए रवाना हुए थे। और क्या हुआ रास्ते में? कितने लोग थे? ये 3 ही लोग थे, क्योंकि बच्चा चलाने लग रहा था और 2 लेडीज थी, एक घरवाली एक इसकी बुआ। मृतक है जो, उनका क्या नाम था? रानी देवी है। और दूसरी महिला कौन थी? वो बुआ जी थी। अभी तो, कैसी है वो? वो सीरियस है। कहाँ दाखिल है वो? कुछेतर अपने हॉस्पिटल के। और जिनकी डेथ हुई है वो कौन लगती है इनकी? ये उसकी वाइफ है बच्चे की, संजू, इनकी 33-1 साल। 33 साल। दो बच्चियाँ हैं, दो लड़कियां छोटी रहने वाली लाडवा की। हाँ, ये गलोर माजरी की है। अभी तक कोई जानकारी नहीं है सर उनके? भाई है उनके। हाँ जी। नहीं, बच्चे हैं उनके? बच्चे हैं, ये 2 लड़कियां हैं, एक 8-9 साल की है, एक 12-13 साल की है। तो जैसे ही ये पानीपत के लिए अपने छोटे भाई के पास मिलने जा रहे थे तो नमस्ते चौक पे पहुंचा, तो वहां से पीछे से गाड़ी आई, उसने टक्कर मारी तो साइड लगी, तो बहन एक तरफ पाँव करके बैठी थी तो वो नीचे गिर गई, पिछली गाड़ी के टायर के नीचे आ गई है और वो दोनों परली तरफ जा पड़े हैं, तो उसके सिर के ऊपर को पहिया निकल गया तो वो मौके पर ही ख़त्म हो गई। और दूसरे उनको चोट लग करके वो हॉस्पिटल लेके गए तो पुलिस आई, उसने कोई ऐसी हो नहीं है कि जैसे भी उन्होंने मदद की है, करी है राहगीरों ने, तो जैसे वो गाड़ी वाले का भी पता नहीं लग रहा कुछ भी, कहाँ है ट्राला है, हाँ ट्राला है, कंटेनर है, पीछे से आया था वो, तो वो साइड में जैसे ही आया तो वहाँ पे आकर के वो नीचे गिर गए थे। नमस्ते चौक पे हुआ जी, सेक्टर 5 के आसपास। पानीपत रहे थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप उनके क्या लगते हैं? मैं भाई हूँ जिस लड़की जो मरी तो गई है, जो उनसे लड़की रानी देवी, अभी जो बुआ जी बता रहे हैं वो गंभीर अवस्था में कुरुक्षेत्र दाली दाखिल है, उसको PGI रेफर कर रहे हैं। मोटरसाइकिल ये भाई चला रहा था, रिमार बढ़ाया जी, जी झी लगते हैं। क्या काम करते हैं? ये लेबर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। बच्चियाँ दोनों छोटी बच्चियाँ जी। कल एक खबर हमने आपको दिखाई थी, सड़क हादसा हो गया था जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और बाइक पर 3 लोग सवार थे जो कि यमुनानगर के रहने वाले थे और पानीपत जा रहे थे अपने छोटे भाई से मिलने। दंपति थे और उनकी बुआ लगती थी, बुजुर्ग महिला थी। हालांकि जो दंपति थे उनमें से पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, मौके पर ही पीछे से ट्रक ने उन्हें कुचल दिया था, ट्रक का टायर उनके ऊपर चढ़ गया था, मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। और जो पति और उनकी बुआ थी वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। हालाँकि जो बुआ बताई जा रही है उसको कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और जो पति था वो भी गंभीर रूप से घायल है। हालांकि वो अब ठीक है परंतु चोटें उनको बहुत ज़्यादा आई है, वो कुछ बताने के हालत में नहीं है। हमारी अब सभी से अपील है इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें, सड़क पर चलते समय सड़क नियमों का पालन जरूर करें। और बाइक पर 3 लोग ये चल रहे थे जो हादसा हुआ है उस समय 3 लोग थे बाइक पर, इसलिए हमारी अब सभी से ये भी अपील रहेगी कि सड़क नियमों का पालन आप अवश्य करें।